कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ठीक है, आपका अपना मसला है, आपकी बीवी है तो कमरे में सॉल्व करें ना मसला, सबके सामने क्यों दलील कर रहे हैं? चुप। मुस्कान, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुम्हारे अब्बू को मैं पसंद आऊंगा? रियान, मेरे बाबा चाहते हैं कि तुम अपनी फैमिली को लेकर आओ और तुम्हारे बड़ों से मिलना चाहते हैं। रियान, तुमने कभी अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, कभी उनके बारे में कोई बात नहीं की, क्यों? बताया तो है, माँ बाबा नहीं है, सिर्फ दो बहनें हैं जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी हैं, और वो दादाजी के साथ रहते हैं। तो फिर तुम अपनी फैमिली को कब लेकर आओगे? मुस्कान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, पर अभी अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। हमारे खानदान में बाहर शादियां होती नहीं। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? फिर हमारी शादी कैसे होगी? अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि मेरे बाबा सिर्फ तुम्हें देख के मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तो भाई बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाबा ने मुझे लाख लाख प्यार से पाला, लेकिन है उनकी सोच खानदानी। मुस्कान, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त दो, सही वक्त आएगा तो मैं खुद बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता। क्या मतलब? तुम सोच क्या रहे हो? हाँ, इसका मतलब यही है ना कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, मुझे पागल बना रहे हो, है ना? मुस्कान, बैठ जाओ, सब देख रहे हैं। मुस्कान प्लीज। मुझे नहीं बैठना, देखते हैं तो देखने दो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुस्कान, हर वक्त गुस्सा नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती, तुम बैठ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं आराम से, लाइक एडल्ट्स। नहीं बैठना मुझे, मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, पागल। अच्छा ठीक है, सही है, सही है। कब मिलना है वापस? पहले तुम्हारे बाबा से मिल लेता हूँ, फिर अपने घर पे भी बात कर लूंगा। पक्का? पक्का। अब तो खुश हो जाओ। तक आया क्यों नहीं? जी मैम, क्या हाल चाल, क्या हुक्म? रियान, रेडी हो गए? बस कपड़े ही निकाल रहा हूँ आपके घर आने के लिए। देखो रियान, टाइम पर आ जाना, मेरे बाबा ना टाइम के बहुत पाबंद है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़े, यू नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जी जी, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें किसी भी किस्म की शिकायत का मौका ना दूं। गुड बॉय। मैंने कितनी बार बोला है मुझे गुड बॉय मत कहा करो। चलो फोन रखो, मैं तैयार होने। ओके, खुदा हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सुनो। जी भाई जी। क्यों गई थी छत पर? वो भाई जी, बस मैं 5 मिनट के लिए गई थी। मैंने पूछा क्यों गई थी छत पर? मौसम बहुत अच्छा हो रहा था ना, इसलिए थोड़ी देर के लिए चली गई थी। भाई जी, मैं वो पप्पो बुलाई थी, मैं उनकी बात सुनकर आती हूँ।
जी मिस बेचैन। कहाँ तक पहुंचे यार रियान, अब तक तुम्हें आ जाना चाहिए था। बस तैयार हुआ हूँ, घर से निकल रहा हूँ। फिर भी कितना टाइम लगेगा? आप पलक झपकेंगी और मैं आपके सामने। फिर मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। जी अलिशबा। भाई 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 वो लाए भा, भाई भाई। अलिशबा बच्चे क्या हुआ है बताओ तो सही। वो लाए भा। बच्चे रोना बंद करो, बताओ हुआ क्या है। लाए भा सीढ़ियों से गिर गई है भाई, आप प्लीज जल्दी आ जाए। ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं फौरन आ रहा हूँ। हाँ हाँ बच्चे अभी आ रहा हूँ। ओके ओके। क्या हुआ, तुम्हारा मेहमान अभी तक नहीं आया? बाबा रियान से थोड़ी देर पहले बात हुई है, बस आते ही होगा। मैं फोन करती हूँ। ओके। हेलो मुस्कान। रियान कितना टाइम लगेगा? क्या वो सब खैरियत? बाबा रियान की बहन सीढ़ियों से गिर गई, इसलिए उसे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मुझे यकीन था ऐसा ही कुछ होने वाला है बेटा। बेटा मुस्कान तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। बाबा रियान ऐसा नहीं है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आह बहुत गर्म है ये। बहुत जोर से लगी। हमेशा तुम्हें समझाया कि संभल कर चला कर, लेकिन तुम पता नहीं किस अफरा तफरी में रहती हो। चिड़िया भी बचपन से तुम्हारा ये है कि फुदकते उतरना फुदकते ये चढ़ना, लग गई है अब, सुकून है। पता नहीं किस बात की जल्दी होती है इसे। एक तो मुझे इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम मुझे डांटे जा रही हो। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, अब एक बार गिर गई ना आइंदा संभल कर चलोगी। देखना आप इसे, बजाय इसके कि मेरे साथ हमदर्दी कर रही है, मुझे सुनाए जा रही है जब से मैं गिरी हूँ, जानबूझ के थोड़ी गिरी हूँ। अलिशबा कितनी गलत बात है, हमारी बच्ची छोटी सी तकलीफ में है, उसको दर्द हो रहा है यार, तुम डांट रहे हो। मैंने इसको समझा दिया बिल्कुल नहीं डांटेगी तुम। वैसे एक बात तो है, आप फौरन हीरो की तरह आ गए। मेरी बहन तकलीफ में और मैं ना आता, ऐसा कैसे हो सकता। सच कहूँ ना, अब दिल करता है कि तुम दोनों के साथ ही रहो। भाई आप फिर जाते क्यों हैं? रान भाई आप वापस आ जाए ना। तुम दोनों नहीं जानती कि क्यों नहीं आता। खैर छोड़ो, शुक्र है हड्डी नहीं टूटी, फ्रैक्चर नहीं हुआ। आप क्या ढूंढ रहे हैं? यार पता नहीं फोन कहाँ रख दिया मैंने। फोन तो आप लेकर ही नहीं आए। गाड़ी में होगा यार। अच्छा अपनी चाय तो खत्म करें भाई। नहीं नहीं तुम इसका ख्याल रखो, मैं दादाजी से मिलकर आता हूँ। ठीक है, लगी तो नहीं? नहीं मैं दादाजी से मिलकर आता। अलिशबा मेरा पाँव तो मोटा होता जा रहा है। मुस्कान प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मुस्कान मुस्कान रुको तो सही। क्या सुनो मैं तुम्हारी बात, तुमने मिलने के लिए नहीं आना था तो बता देते, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जो बाबा के सामने कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुस्कान लायबा तकलीफ में थी, उसको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं था उस वक्त घर में। तुम्हें पता है कि मेरी बहनों का मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में यार। बता बाबा को क्या लगता है? बाबा को लगता है कि तुम बहाना बना रहे हो, तुम मुझसे मिलने के लिए आना ही नहीं चाहते हो। मुस्कान मुस्कान
यार मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे बोलने का मौका दोगी प्लीज? मैं तैयार होके निकल गया था यार तुम्हारे बाबा से मिलने, अचानक कॉल आ गई, मेरी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी यार, मुझे जाना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे क्या देख रही हो? झूठ नहीं बोल रहा मुस्कान, प्रॉमिस, कसम से प्रॉमिस मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है आज तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा से मिलने चलते, बल्कि आज ही क्या, अभी चलते हैं, चलो बाबा से मिलते हैं तुम्हारे। नहीं। क्यों अभी नहीं? मुझे बाबा से फिर से बात करनी होगी, उनसे बात करती हूँ फिर तुम्हें बताऊंगी। हो गई तुम लोगों की सुलह सफाई? मुझे लग रहा है कि मुस्कान मान गई ना? मान गई? मुस्कान इतनी जल्दी क्यों मान जाती हो? थोड़ा टफ टाइम दे दो उस लंबू को। बाय द वे आप लोगों की इजाजत हो तो हम लोग क्लास में चलें पढ़ने के लिए। चलो। हाँ चलें प्लीज आगे, मैं जरा से बात कर लूँ थोड़ी सी। मुझे कोई बात नहीं, चलो क्लास में चलो। चलो दादा जान अपनी जवानी की तस्वीरों में बिल्कुल आप जैसे लग रहे हैं। आपको हवेली बहुत याद आती है ना? है ना? कितना अरसा बीत गया, अब तो मामा भी नहीं रहे जिनसे शादी की वजह से आपके अपने खानदान से ताल्लुकात खराब हुए। कितना अच्छा होता अगर वो लोग आपकी शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, है ना? जानती हो बेटा, कभी कभी खूनी रिश्ते माशरे के खोखले असूलों के भेंट चढ़ जाते हैं। ना चाहते हुए भी अनमोल रिश्ते बेमौत मर जाते हैं, जहाँ ना चाहते हुए भी हम खुद को कुर्बान कर देते हैं। आप उन्हें बहुत मिस करते हैं, मिलना चाहते हैं? वो तुम्हारा फाइनल फाइनल सेमेस्टर की तैयारी मुकम्मल हो गई? बाबा किसी का जिक्र बदल देने से इनकी याद कम नहीं होती, बढ़ जाती है, दर्द देती है, तकलीफ देती है। मैं जानती हूँ मैंने हमेशा आपको हवेली जाने से मना किया है, लेकिन मैं अब आपको नहीं रोकूंगी। आप जाएं, ताकि मिलें उनसे, और हो सकता है कि वो भी आपसे मिलकर बहुत खुश हो। लेकिन प्लीज आप मेरे लिए उनसे कुछ मत मांगिएगा। अपने बाबा से बात की? नहीं, सारी गलती तुम्हारी है रियान, तुमने अच्छा खासा बनता हुआ काम बिगाड़ दिया। अब तुम्हें क्या लगता है बाबा फौरन से मान जाएंगे और कहेंगे हाँ हाँ बुला लो रियान को, और जब तुम आओगे तो तुम्हारे गले में फूलों का हार डालेंगे, है ना? मुस्कान इतना गुस्सा? मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी बताई थी ना यार। तुम पे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं रियान, सच कहूं ना तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर बाबा तुमसे मिलने के लिए राजी ना हुए तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ हाँ ऐसा मत सोचो,
इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। अल्लाह से ना अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे पता, मेरी बात ही कुछ ऐसी। तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, जरा सी तारीफ कर दो तुम्हारी और तुम इतराने लग जाते हो। खैर करे। क्या हुआ? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुस्कान, पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? आपने दवाई खाई? पापा दवाई खाई? क्या हुआ आपको? अब ठीक है ना? ठीक है ना? कितने दिन पहले तुमसे कहा था ना कि गेस्ट रूम के कुशन कवर्स को चेंज करना है, वो वैसे ही पड़े हुए हैं। कब होंगे ये? मैं कर देती हूँ बेगम साहिबा। कर देती हूँ? अब देखो नहीं मेरा मुंह, सफाई करो, जगह जगह मट्टी पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम बप्पू जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। कब आते हो, कब जाते हो, पता ही नहीं चलता। बस करो ना, अब हवेली में रहकर हवेली की जिम्मेदारियां उठाओ। सच बताऊं पप्पू जी, वहां रहकर बहुत मिस करता हूं आपको। बस करो, पहले भी यही कहा था। सच ही कहा था पहले भी। अब छोड़ो सफाई को, साहब के लिए कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करो, बल्कि इसके वो जो पसंदीदा कबाब है वो फौरन तल के लेकर आओ। ठीक है बेगम साहिबा, मैं अभी तल देती हूँ। चलो मेरे साथ आके बैठो। जी। टाइम ही नहीं देते हो मुझे। आप भी मुझे याद करती हैं या नहीं? बहुत याद करती हूँ तुम्हें। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है, बस एग्जाम्स की तैयारी है। वापस आ जाओ हवेली में, तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है यहाँ। पप्पू जी बिल्कुल आ जाऊँगा, सभी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते हैं मैं आ जाऊँगा। ये मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? आप यहाँ इतने सालों के बाद? हमें तो लगा था कि शायद आप हमें भूल गए हैं। अच्छा होता कि आप हमें भूल ही जाते। इतने सालों बाद नहीं कमर जहां, 5 साल 3 महीने और 21 दिन बाद आया हूं। ओ, दिनों का हिसाब तो आपने ऐसे लगाया है जैसे हमें छोड़ने के बाद आप हर दिन तड़पे हों। काश तुम समझ सकती कमर जहां, मगर तुमसे कुछ भी कहना फजूल है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम बेटा। तुम रियान जी? माशाल्लाह, जीते रहो बेटा।
इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला, न तुम, ना ये हवेली और ना ही तुम्हारी पप्पो का लहजा। तुम्हारा बड़ा भाई हूं कमरजान, कम से कम सलाम तो तुम मुझे कर सकती थी। सलाम दुआ उन लोगों से की जाती है जिनसे किसी किस्म का कोई रिश्ता हो। मुझसे तो क्या, इस हवेली से भी आपका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मुंह उठाकर आ जाते हैं यहाँ पे। ये गलत बात है फूफा जी। नहीं, कहने दो बेटा। यहां मेरे अपने हैं जो मुझे अपना नहीं समझते, लेकिन ये दरो दीवार, यहां के रास्ते भूले भटके मुझे आवाज दे देते हैं। अब अब्बा जी कहां हैं? रियान जाओ, जाके अब्बा जी को बताओ कि उनसे मिलने उनका बागी बेटा आया है। मैं दादाजी को बुलाता हूं, आप प्लीज बैठे ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम्हें याद रहा कि तुम्हारा बाप अभी तक जिंदा है? कैसे हैं अब्बा जी? जिस बाप ने दो जवान बेटों को कब्रों में उतारा हो, और एक जिंदा बेटी को जिंदा दफन किया हो, वो बाप कैसा हो सकता है? बस सांसें चल रही हैं और मैं जी रहा हूं। अब्बा जी, मैंने खुद को जीते जी आपके लिए नहीं मारा। अब्बा जी आप नहीं, बस मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त नहीं है, मतलब की बात करो। इतने दिनों के बाद आए हो तो यकीनन किसी मकसद से आए होगे। अब्बा जी मैं बीमार रहता हूं, और आप जानते हैं कि मैं बेटी का बाप हूं। पता नहीं कब मेरे साथ हो, कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। मैं उसे ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, जो मेरा शरई हक भी है। अब्बा जी किस हक की बात कर रहे हो तुम? हक उन्हें मिलता है जो अपने फराइज अंजाम देते हैं।
तुमने कौन सा फर्ज निभाया? अब्बा जी, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागा। आपने मुझे घर से निकाल दिया था। मानता हूं मैंने अपनी मर्जी से शादी की, पर उसके बाद मैं कई बार आपसे मिलने आया अब्बा जी, पर मुझे दरवाजे से वापस कर दिया गया। तुमने मेरे मना करने के बावजूद एक गैर खानदान में शादी की। अपनी बहन कमर जहां को देखो, किस तरह बाप की इज्जत को संभाले हुए बरसों से घर में बैठी है, और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी दो फूफियां कमवारी मर गईं, लेकिन अपने खानदान की रवायत से बगावत नहीं की। अब्बा जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं यहां से चला जाऊंगा। भगोड़ों को इज्जत नहीं, सजा मिलनी चाहिए। आपको इस हवेली से कुछ नहीं मिलेगा। शर्म करो, अपनी हद में रहा करो। तुम्हें जरा तमीज नहीं कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? मैं तुम्हारा चचा हूं, अदब से बात करूं उनसे। और चचा जी, कौन से बड़े, कैसे बड़े? अगर आप बड़े होते ना, तो इस तरह अपने फराइज से भागते नहीं, अपने बूढ़े बाप को इस तरह छोड़कर नहीं जाते। जो हरकत आपने की है, वो सिर्फ खुद गर्जी नहीं, उसे बल्कि बेगैरती भी कहते हैं। बस भाई जी, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? चचा हैं हमारे, उम्र में बड़े हैं आप। ध्यान, तुम चुप रहो। जो काम करने के लिए आए हो करो और जाओ यहां से। क्यों? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। जितना हक इस हवेली पर आपका है, उतना मेरा भी। और अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो उसकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है आपको। रेहान, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। इसे कुछ ना कहो, कोई फायदा नहीं। और ये जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना कि मैं घर छोड़कर गया, ऐसा नहीं है। अब्बा जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ तो चचा जी, निकाल दिया ना आपको, हो गई बात खत्म। क्या लेने के लिए आए आप यहां? मैं आपसे कह रहा हूं, इस हवेली से आपको एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि तुम इस पर कब्जा कर लो। मत भूलो कि इस पे मेरी बेटी का भी हक है। जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अब्बा जी के दिमाग में तुमने जहर खोला। चचा जी, अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पर देना बंद कीजिए। अरे सच बात तो यह है कि गैर खानदान की औरत से आपको इश्क हो गया और भाग गया। ना देखा किस खानदान की है वो, क्या जात है उसकी। बस, एक लफ्ज और नहीं, अपनी मरहूम बीवी के बारे में अगर कुछ और सुनूंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भतीजे हो। बस भी करते हैं भाई जी, चाचा जी की हालत नजर नहीं आ रही आपको? दादाजी, आप भाई जी को समझा क्यों नहीं? ध्यान, दादाजी को बीच में मत घसीटो। अरे 20 साल से यह शख्स इसका गम मना रहा है। अरे ये तो हमारे खानदान पे वो धब्बा है जिसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। आपके सामने मेरे साथ ये
किस तरह मुखातिब हो रहे, कुछ कहते भी नहीं इसे। बस चाचा जाओ यहां से। मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। जा रहा हूं मैं, मगर अपनी बेटी का हक लेकर रहूंगा मैं। तुम पर केस करूंगा, अच्छा चाचा जी, दादा जी उनका हक है। आप चाचा जी, चाचा जी बात तो सुनिए, दादाजी आप रोक क्यों ले रहे हैं, उनका हक क्यों उनको दी है ना दादाजी। चाचा जी, सलाम दुआ उन लोगों से की जाती है जिनसे किसी किस्म का कोई रिश्ता हो, मुझसे तो क्या, इस हवेली से भी आपका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मुंह उठाकर आ जाते हैं यहां पे। मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त नहीं है, मतलब की बात करो। इतने दिनों के बाद आए हो तो यकीनन किसी मकसद से आए होगे। हाँ तो चचा जी, निकाल दिया ना आपको, हो गई बात खत्म। अरे ये तो हमारे खानदान पे वो धब्बा है जिसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। भाई साहब आप बताएंगे कि कहाँ जाना है, आगे से सीधे हाथ मुड़ जाऊं कि उल्टे हाथ? भाई साहब आपकी तबीयत तो सही है, कुछ बताएंगे आप? भाई साहब भाईजन, भाईजन तबीयत सही है आपकी? भाईजन क्या मुस्कान, अल्लाह मियां सब ठीक करेंगे, दुआ करो बस तुम अपने। डॉक्टर मेरे बाबा ठीक है ना? इनकी यहाँ अस्पताल आने से आधा घंटा पहले डेथ हो चुकी थी। ये क्या हो गया मुस्कान? मुस्कान लेकिन डॉक्टर मेरे बाबा की तबीयत इतनी खराब तो नहीं थी कि वो इस तरह हमें अचानक छोड़ के चले जाए? कैसे हो सकता है, क्या कह रहे हैं? आपके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था, उन्हें शायद तो गहरा सदमा पहुंचा था जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। सॉरी मुस्कान, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं खाला, मेरे बाबा इस तरह नहीं जा सकते, मैं अभी देख लाती हूँ। ट्रांजैक्शन का बता दिया इनको, हमें पे ऑर्डर्स चाहिए। कल मिल जाएगा आपको, चेक नहीं, ये भी एक दफा पढ़ लीजिएगा, मुझे कोर्ट का नोटिस। ये कोर्ट का नोटिस तो उनको जाएगा ना, हमें क्यों आएगा, कॉपी है इसकी। ओके हेलो,
जी कब कैसे? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूं। दादाजी खैरियत तो है? कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया आपको? किसका फोन था? बिलाल, बिलाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले। मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। दादाजी वहां पर उनके ससुराल वाले होंगे, अगर वहां पर कुछ हंगामा हो गया तो कोई तो आपके साथ होना चाहिए ना। मैं चलता हूँ। कुछ नहीं होगा, मैं अकेला जाऊंगा, जो होगा मैं देख लूंगा। मैं बात को कहता हूँ कि आपके साथ जाता है। हेलो, हाँ बात, गाड़ी रेडी करवाओ। हाँ, तुम्हें दादाजी के साथ जाना। हाँ ओके। बिलाल अभी जो आया था वो हमारी आखिरी मुलाकात थी उससे। क्या पता था कि वो छोड़ के चला जाएगा।